बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंड द सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। दो रकमों का मजमू कैसे लिया जाता है, उन्हें ऐड कैसे किया जाता है। एक्सप्रेशंस इस तरह आमतौर पर तो होता है 2 + 3 = 5, तो आप इजीली कर देते हो। ये नंबर्स थे x + x 2x हो जाते हैं, x² + 2x² 3x² हो जाते हैं। जब हमारे पास जो है इस तरह साथ डिनोमिनेटर्स भी आए हों तो उस वक्त हम देखते हैं कि उस वक्त इन रकमों को किस तरह ऐड किया जा सकता है, उनका सम कैसे मालूम किया जा सकता है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है और उनको डिवाइड कैसे किया जा सकता है। इस सेशन में हमने इसमें ऐड करने को सीखना है कि आया कि किस तरह जो है दो रकमों को ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है। हम सबसे पहले इनको दोबारा लिखते हैं और इनके बीच प्लस डाल देते हैं, यानी कि हमारे पास जो है दो रकमें जब हमने प्लस के लिए लिखी, कॉमा की जगह पर प्लस डाल दिया, दैट सिंपल। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो देखते हैं कि अगर तो सेम होते तो फिर तो मैं एक ही बार देख लेते, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंस है तो हमें इनको किस तरह लिखना पड़ेगा। मैं जरा इसकी तरफ आता हूं। नंबर वन ये कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लें और x - 1 ऐसे करके लिख लें, प्लस ये वाला इसी तरह लिख लें। अब हमें थोड़ी सी सिमिलरिटी इसकी नजर आई, तो जो चीज सेम है वो तो एक ही बार लिख ली और जो सेम नहीं है वो दोनों रकम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, जो सेम नहीं है उसको भी नीचे लिखेंगे, ये इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। हम इन्हें जब प्लस करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले नीचे वाली रकमें जो होती हैं उनको देखना पड़ता है, आया कि वो कैसे हम एडजस्ट करेंगे उन्हें। तो उसका हमने तरीका ये सीखा कि अगर दोनों सेम होंगी तो फिर एक ही बार लिखी जाएंगी, अगर सेम नहीं होंगी तो सेम को एक बार लिख लेंगे, जो बाकी बच जाएंगे उनको भी साथ लिख लेंगे और यही हमारे पास इसके मल्टीपल्स होंगे। अब हम ऊपर आते हैं, 3x - 1 3x - 1 ऊपर वाली हमारी रकम थी, मल्टीप्लाई की किसके साथ, आसान सी बात, इसको हम इस पर डिवाइड करते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो ही होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली रकम होगी। 2 से कैंसिल, x - 1 से कैंसिल, नथिंग इज हियर, 1 हमारे पास, यानी कि 1 के टेबल से आ गया 1, मीन के जी ये पूरी रकम इस पूरी रकम से कैंसिल हो गई, 1 आ गया हमारे पास। अगली रकम की तरफ आए, ये एक्सप्रेशन हमारे पास 2 सिर्फ एक नंबर था, इसके नीचे x - 1 है, इसको इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास x - 1 से कट जाएगा और बाकी 2 बच जाएगा, यानी कि इस 2 के साथ हमारे पास बाय ये 2 आ गया, 2 × 2। और अब हमारे पास बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये देखें 3x × 1 - 1 अगर माइनस का साइन था, 2 × 2 = 4 / 2 × x - 1 ये आ गया। मजीद इसको सिंपल करें, 3x क्योंकि x का और कुछ भी नहीं है इसलिए 3x को एज इट इज छोड़ देंगे, 4 और 1 एक कैटेगरी के हैं, यानी कि 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, तो हमने +3 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2 × x - 1 ये हमारे पास जो है इसकी सिंपल एक फॉर्म आ गई और यही इसका तकरीबन रिक्वायर्ड आंसर होगा। 3x + 3 मजीद सॉल्व तो नहीं होता और 2 × x - 1 इसको भी सॉल्व कर देते हैं, वैसे ये सिंपल इसकी एक पोजीशन में 2 × x 2x हो जाएगा, तो हमारे पास आया 3x + 3 डिवाइडेड बाय 2x और 2 1 = -2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो
ये हमारे पास जो है दो रकमों का सम इस तरह किया जाता है।